हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल एंड आई एम शिफाली। आज है सैटरडे और मैं सैटरडे से इवनिंग से अपना व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। अभी इवनिंग नहीं हुआ है, अभी 3:30 बजा है और मौसम कुछ इस तरह का हो गया है कि पूरा अंधेरा अंधेरा हो गया है और लग रहा है जैसे अब बारिश आने वाली है। और इतना ज़्यादा हवा था ना कि मेरा पूरा घर में सारे पत्ते और जो भी चीज़ रखे हुए थे इधर से उधर हो गए हैं। और इतनी ज़्यादा मस्त हवा चल रही थी, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसे भी मुझे ये मौसम बहुत पसंद है। और ये आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा अंधेरा है, अभी सिर्फ 3:30 हुआ है। और मैं आपको दिखाती हूँ, ये है मेरा क्वार्टर जो गवर्नमेंट क्वार्टर ऐसा ही होता है, बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ नहीं दी जाती है गवर्नमेंट क्वार्टर में। मेरा क्वार्टर भी ऑफिसर कॉलोनी में ही आता है, पर ऐसा ही है मेरा क्वार्टर। और आप देख सकते हैं कि बारिश भी आ गई है, फाइनली बारिश होने लगी। और मेरी मेड भी झाड़ू लगा रही थी तो वो फंस गई है बेचारी उस तरफ है, और इस तरफ आने में उसे सोचना पड़ रहा है क्योंकि ये बारिश बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं होती है। इस बारिश में अगर आप भीग जाओ ना तो आपकी तबीयत तुरंत ख़राब हो जाती है। और ये इतनी ज़ोर की बारिश हो रही है ना, मैं क्या बताऊँ। मेरे घर में जब ऊपर में जब बारिश होती है तो बहुत आवाज़ आती है। और ये मेरा एक स्टोर रूम है बाहर में, और सारे प्लांट्स मेरे अच्छे से खिल रहे थे और उसमें पानी पड़ जाएगा तो थोड़ी बहुत ज़रूर दिक्कत आएगी। बारिश हो रही है तो मेरे हस्बैंड बोल रहे थे कि आज कुछ टेस्टी बनाओ, मैगी बनाओ, बहुत देर से ही बोल रहे थे। तो मैंने सोचा कि थोड़ी देर बाद बना देती हूँ, क्योंकि मैं जब किचन साफ़ कर रही होती तो मैं कुछ भी नहीं करती, जब वो चली जाती है तो मैं मैगी बनाना स्टार्ट कर रही हूँ। तो मैंने सारे चॉपिंग बोर्ड पे चॉपिंग कर लिया है मैंने, और मैं इसे फ्राई कर रही हूँ प्याज को। और बहुत सिंपल तरीके से बनाती हूँ जैसे आप लोग बनाते हो, क्योंकि मैगी आप जैसे भी बना लो ना, आपकी मैगी है और आप जैसे मन है वैसे बनाओ। मैं सबसे पहले प्याज डालती हूँ, फिर हरी मिर्च डालती हूँ, और सारा कुछ जितना भी वेजिटेबल आपको पसंद है आप डाल सकते हो। मुझे जो जो पसंद है मैं वो डालती हूँ। और मुझे मैगी ज़्यादा नहीं पसंद है क्योंकि ज़्यादा खाना हार्मफुल होता है, तो मैं कभी कभी बनाती हूँ। और ये मैंने इसमें कॉलीफ्लावर भी डाल दिया है और बंधा गोभी, और सारा रेड रेड जो आपको दिख रहा है वो है कैरेट और बीन्स, ये सब मैंने डाल दिया है। इसमें थोड़ा नमक हल्दी भी मैं डाल देती हूँ, बिल्कुल थोड़ी थोड़ी सी, क्योंकि थोड़ा सा येलो लगता है तो मुझे अच्छा लगता है, आपको जैसे भी अच्छा लगता है आप वैसे बना सकते हो। तो ये है मेरा तरीका बनाने का। और मुझे बड़ा मज़ा आता है ना जब बारिश हो रही हो तो मैगी खाओ या पकौड़े खाओ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। मेरे हस्बैंड तो और भी ज़्यादा ये सब चीज़ में आगे हो गए हैं, उन्हें मैं जितना टेस्टी टेस्टी चीज़ बना के दूँ ना, आजकल उनकी पसंद बहुत ज़्यादा अच्छी अच्छी चीज़ें खाने का करते रहता है। हर वक्त कुछ ना कुछ अच्छा चीज़ बनाओ, अच्छा चीज़ बनाओ। तो ये मैं बना रही हूँ, उसके बाद मुझे रात का डिनर भी बनाना है। और ये मैं 2 पैकेट ही सिर्फ बना रही हूँ, क्योंकि 2 पैकेट ही बहुत एनफ हो जाता है हम लोगों के लिए, और हम लोग 2 ही जन हैं तो आरोप मैं तो बिल्कुल नहीं देती हूँ। तो बस चलिए मैं अपना मैगी बनाती हूँ और खाती हूँ और अपना इवनिंग से स्टार्ट करती हूँ व्लॉग, क्योंकि मौसम बहुत अच्छा है और बारिश हुई है तो ठंडी ठंडी थोड़ी सी मौसम हो गई है। आज हम लोग सिर्फ़ और सिर्फ फ़ैन चला के सोएंगे। तो चलिए अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको सब कुछ दिखाती हूँ मैं कैसे क्या कर रही हूँ आज। और थोड़ा सा पानी डालती हूँ, आप अपने मर्जी के हिसाब से डाल सकते हैं, मैंने ये पानी डाल दिया है। और फिर मैगी डालकर थोड़ी देर के लिए 2 मिनट के लिए ढक देती हूँ, फिर मेरा मैगी बिल्कुल रेडी हो जाता है खाने के लिए। और ये है मेरी मैगी जो हो गई है रेडी और मैं इसे खाने जा रही हूँ। सो बाय बाय एंड वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल एंड आई एम शिफाली। और आज है सैटरडे, आज मैंने अपना व्लॉग शाम से स्टार्ट कर दिया था। और हम लोग जा रहे हैं अभी सोने क्योंकि रात हो चुकी है, 10 बज रहा है। तुम भी सोएगी? और आलू का जुकाम बहुत ज्यादा बड़ा हुआ है, बहुत नोजी आ रहा है। हाँ तुम भी सोना। तो अभी जस्ट हम लोगों ने थोड़ी देर पहले 6:30 बजे हम लोगों ने चाय नाश्ता किया था, और अभी 10 बजे खाया क्योंकि भूख नहीं लगी। लाइट बुझा दे, मुझे बुझा रहे जब से पैर दबा दो, पैर दबा दो। तो हम लोगों ने जस्ट अभी खाना खाया है और थोड़ा सा बैठे हुए हैं, और ये गए थोड़ा बाहर टहल रहे हैं फूल को देख रहे, क्योंकि यहाँ बहुत ज़्यादा बारिश हुई थी और बारिश के कारण थोड़ा मौसम चेंज हो गया है, थोड़ी सी ज़्यादा ठंडी ठंडी जैसी लग रही है। तो आज हम लोग सिर्फ फैन चला के सोएंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंडी के कारण आपको सर्दी बढ़ जाएगा और इनको तो सर्दी भी हो गया है, तो दोनों को सर्दी हो चुकी है। तो बची मैं, तो
क्या हुआ? अच्छा उसको भी टुक। तो बारिश बहुत ज़्यादा यहाँ बारिश हुई, बहुत ज़्यादा, इतना कि मैं क्या बताऊँ, हमारा क्वार्टर पूरा हिल गया एकदम, इतना ज़्यादा बारिश हुई। और बाहर के जितने भी छोटे छोटे जो अभी जस्ट लगाए हैं पॉट में, वो सारे फूल डैमेज हुए हैं कि नहीं राधे ने देखा नहीं। हाँ क्या? अच्छा बैठो, लगा के देते हैं एप्पल। तो अच्छा ठीक है, काठी दे रहे हैं। तो अभी ये बाहर गया हुआ है, बाहर टहल रहे हैं। ठीक है, दरा दो नोजी पोज दे। अच्छा तो मैं आरू को दवा दे रही हूँ, पर दवा तुरंत नहीं रिलीफ करता है, कुछ टाइम लगेगा, कुछ दिन लगेंगे, उसके बाद ठीक होता है। हाँ अच्छा, हेलो कर दो बेटा, हेलो कर दो। तो हेलो करो, हेलो, कैसे हो? ओ, मेरा डांस कैसा लगा? बोलो तो। हाँ कैसा लगा? लगा बहुत अच्छा लगा मामा को। लकड़ी की काठी, इसको देखना है। तो बैठो, हम ला कर देते हैं। हाँ तो बाहर बहुत ज्यादा बारिश हुई थी, और हमारे जितने भी वेजिटेबल मार्केट जो लगता है ना, वो थोड़ा सा अट्रैक्ट हो गया, क्योंकि बारिश इतनी ज्यादा हुई ना। अच्छा बेटा लगा रहे, तो रिलैक्स रहो। तो अब हम लोग जा रहे सोने, और ये ब्लॉग मेरा कल आफ्टरनून तक चलेगा। क्या? हम भी लाइट तुम भी बुझाएगी? जाओ ऑफ कर, क्या जाओ। तो हम लोग जा रहे हैं सोने, और आरो देख रहे हो कितना परेशान कर रही है, सोने के लिए लाइट ऑफ करने के लिए बोल रही है। तो ये व्लॉग मेरा कल तक चलेगा, इसलिए ये व्लॉग मैं आगे कंटिन्यू करूंगी, इसलिए मैं भी जा रही हूँ सोने, और सुबह मिलती हूँ। ओके बाय। गुड मॉर्निंग एवरीवन, संडे मॉर्निंग है और बज रहे सुबह के 8:30। और मेरी बेटी कल से ही बहुत ज़्यादा झूला झूलने के लिए बोल रही थी, तो इसे मैंने ये झूला परमानेंट यहाँ पे लगा हुआ है, तो मैं इसे झूलाती हूँ। और आज मैं नहीं झूला रही हूँ, मैं तो ब्रेकफास्ट बना रही हूँ, मेरी मेड भी आ गई है, तो इसके पापा इसको झूला पे झूला रहे हैं, और ये बिल्कुल भी नहीं उतरना चाह रही है, ये 7:30 से ही लगी हुई है इस झूले में। और मेरे हस्बैंड का ब्रश करना भी मुश्किल हो गया है, तो मैं रुकती हूँ तो वो जाते हैं ब्रश करने, क्योंकि जब एक बार ये झूले पे बैठ जाती है ना, इसका दिल बिल्कुल भी नहीं करता कि ये उतरे। कितना मज़ा आता है ना, हम भी काश इसी तरह से झूलते, और मज़े से मेरे मुंह में भी कुछ खाना मिलता रहता। तो मैं इसे भी, मेरे हस्बैंड इसे भी एप्पल खिला रहे हैं, और ये मज़े से झूल रही है। चलिए अब मैं मॉर्निंग का स्टार्ट करती हूँ व्लॉगिंग, ये इवनिंग तक चलेगा। एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन, आज है संडे और मैं अपना व्लॉग कल से कंटिन्यू कर रही हूँ। और अभी टाइम हुआ है 10:10, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, और मैंने सब काम ख़त्म कर लिया अपना, और बस अब नाश्ता कर रहे हैं मेरे हस्बैंड। अब मैं जा रही हूँ नहाने, और उसके बाद मैं पूजा करूँगी। और यहाँ कल इतनी बारिश हुई है, और पूरा मतलब घर मेरा गंदा हो गया था। वो तो मेरी मेड है कि थोड़ा साफ़ कर दी, ये देखते गाड़ी के भी इतना डस्ट है, और ये जो पेड़ से जितने भी मंजर है वो टूट कर इतने गिर गए हैं। तो अभी जस्ट मेरी मेड चली गई है, क्योंकि आज कहीं जाना था, ऐसे भी इवनिंग में वो आती नहीं है, पहले एक पार्ट ही आती है। तो अभी हल्की हल्की धूप निकली है, ज़्यादा धूप नहीं है, और ठीक धूप है, कपड़े सारे सूख जाएंगे मेरे। तो बस अब मैं जा रही हूँ अपना काम फिनिश करके, पूजा करने से आपका होगी, फिर घर का लंच भी बनाना है, लेकिन सारे शाम को कहीं जाए जो मेरे घर में लगे हुए हैं, और बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगते हैं जब ये फूल देते हैं, तो बहुत खूबसूरत लगते हैं। आलू को मैंने सुबह से बहुत चीज़ खिला दिया है, वाटरमेलन खिलाया है, पपाया खिलाया है मैंने, और अभी जस्ट उसको मैंने ये क्या कहते हैं डाफ का पानी पिलाया है मैंने। और मैं बैठ जाती हूँ थोड़ा सा यहाँ पे, क्योंकि मैं बहुत थक जाती हूँ यार सारे काम फिनिश करते करते, सुबह से मॉर्निंग से ही मैं उठी हुई थी, तो सारा काम फिनिश करना है, और बस। और मुझे भी सर्दी हो रही है, क्योंकि मेरे हस्बैंड को हो चुकी है, मेरी बेटी को हो चुकी है, तो मुझे तो होना ही है, डेफिनेटली होगा ही होगा, तो मुझे उसके कारण गले में दर्द हो रही है। आज मैं अपने नेल पॉलिश रिमूव करूँगी और थोड़ा सा नेल पॉलिश लगाऊँगी, तो वो सब करना बाकी है, सब काम करना है, और मुझे इनके कुछ कपड़े आयरन करने हैं,
तो मैं करूँगी आज, क्योंकि अब क्या कहते हैं ये टी शर्ट वगैरह पहन के नहीं जाना चाहते हैं, तो फुल स्लीव्स के पहन कर जाना चाहते हैं, तो कुछ करने होंगे मुझे। और आप लोग को मेरा कल का वीडियो कैसा लगा प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मुझे पता चल रहा है आपको बहुत अच्छा लग रहा है, तो प्लीज़ कमेंट भी कीजिएगा। तो ठीक है, ये सारी बातें मैं बाद में करूँगी, अभी फिलहाल जा रही हूँ नहाने, फिर पूजा करना है, नवरात्र स्टार्ट है, तो मैं ज़्यादा कुछ तो नहीं कर रही हूँ, लेकिन हाँ पूजा कंटिन्यू करने की कोशिश करूँगी, क्योंकि कम से कम पूजा भी हो जाए मुझसे तो यही बहुत बड़ी बात है मेरे लिए, क्योंकि मेरी बेटी छोटी है, तो मुझे कुछ भी ढंग से नहीं हो पाता है, कुछ ना कुछ रह जाता है हमेशा, तो वो सब करना है मुझे। और पूजा करती हूँ, उसके बाद पूजा करने में बहुत डिफ़िकल्टी आती है, हारू कभी टॉयलेट कर देती है, कुछ कर देती है, तो मुझे बहुत परेशानी होती है, तो मैं कोशिश करती हूँ कि जल्दी जल्दी करूँ, उसको बेड पे बैठा कर ही मैं पूजा करती हूँ। और मैं बहुत ख़राब लग रही हूँ, अभी मॉर्निंग का टाइम है, अभी मैंने नहाया भी नहीं है, तो जैसे हूँ वैसे ही लग रही हूँ, तो बस थोड़ा सा नहा कर फ्रेश हो जाती हूँ, उसके बाद कुछ बात करते हैं। ओके बाय एवरीवन एंड वेलकम बैक अगेन। अभी जस्ट आरू को मैंने सुलाया था, और आज आरू सोई नहीं है, क्योंकि आज इसके पापा थे घर पे, तो ये अपने पापा के साथ खेल रही है, बहुत बिजी है, सोई नहीं, मुश्किल से आधा घंटा सोई होगी, तो अभी 12:30 बज रहा है टाइम, और ये बच्चे आरू खेल रही है अपने पापा के फोन से, तो इसको जैसे कि पता है आप लोगों को रैम देखना बहुत पसंद है, तो बस ये खेल रही है। और आज मैंने सारा कुछ कर लिया, सारा कुछ काम फिनिश हो गया है, और हम जा रहे हैं लंच करने, क्योंकि आज मैंने बहुत जल्दी लंच बनाया था, आज संडे है, तो नाश्ता हमारा बहुत मॉर्निंग हो गया था, और वो फ्रूट्स का नाश्ता हुआ था, तो मैंने जल्दी से आज खाना बना दिया था ताकि लंच हम जल्दी कर सके। तो अभी 12:30 बजे हम जा रहे हैं लंच करने, आलू का तो जो रूटीन है डाइट है वही सब हम दे रहे हैं उसे। और आलू कौन सा बेटा, जस्ट मैंने हेयर कॉम भी नहीं किया है, क्योंकि अभी अपना मैं नहाने के बाद पूजा कर रही थी, पूजा करने के बाद आरू को मैंने नहलाया, उसके बाद उसको सुलाने के प्रोसेस में लगी हुई थी, पर वो सोई, वो भी सिर्फ आधे घंटे के लिए, तो मतलब इसका नींद कंप्लीट ही नहीं हुआ है। आज नाइट में हम लोगों ने सोचा था कहीं जाएंगे, पर पॉसिबल नहीं लगता, नहीं जा पाएंगे, तो ये सारा कुछ हो गया है। गर्मी बहुत है, लेकिन अभी आरू को बहुत सर्दी है, इसलिए हम थोड़ा फैन अवॉइड कर रहे हैं, यहाँ मौसम बहुत ठंडा कर दिया है, तो बस यही सब है। और अब मैं सोच रही हूँ अपने ब्लॉग को यहाँ एंड कर देती हूँ, क्योंकि इवनिंग से मेरा नेक्स्ट ब्लॉग स्टार्ट होता है, और ये मेरा नया आफ्टरनून तक चल रहा है, और उसके बाद मैं अभी जा रही हूँ, लोगों को खाना खिला देती हूँ, और खाना खिलाने के बाद मैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में मिलूंगी, और ये व्लॉग मेरा रात में आपको मिलेगा, क्योंकि मैं इसे रात में ही एडिट करूंगी, रात में ही पोस्ट करूंगी, तो बस यही सब है। आज आरू ने अपने झूले को बहुत इंजॉय किया, जैसे ही उतरने के लिए बोल रही थी ना, ये बिल्कुल भी उतरना नहीं चाह रही थी, बोल रही थी नो भागो भागो, तो ऐसे बोल रही थी। और अब मैं खाना खिलाऊंगी सबको, और खाना खाने के बाद थोड़ा देर हम रेस्ट करेंगे, और मुझे थोड़ा सा पार्लर जाना है अपने आईब्रोज को ठीक करने के लिए, आईब्रोज बनवाने के लिए मैं जाऊंगी पार्लर, और पास में ही है, तो मैं कोशिश करूंगी कि खाना खाने के बाद मैं चली जाऊं, क्योंकि फिर लेट हो जाता है, तो फिर और सारे शाम में बहुत काम होता है, क्योंकि मेड मेरी आज आएगी नहीं, क्योंकि शाम में वो आती नहीं है, और मैं थोड़ा सा मुझे कर लेती हूँ, तो वही होगा, आरू को लेकर हम जाएंगे, क्योंकि ये आरू को लेकर जाएंगे, और मैं पार्लर में जाऊंगी, तो यही सब है। बहुत लंबा वीडियो हो जाता है, तो ज़्यादा परेशानी होती है सब लोगों को कि ज़्यादा लंबा हो रहा है, ज़्यादा लंबा हो रहा है, और मेरा कल का वीडियो भी बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि लोगों ने बहुत पसंद किया उसे। और मैं नेल पॉलिश करने जा रही हूँ, नेल पॉलिश मैंने नहीं किया है, तो मैं नेल पॉलिश कर ले रही हूँ, और आपको भी नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा मेरा हाथ में नेल पेंट, क्योंकि मैंने अभी तक से किया नहीं, मैं बोलती हूँ पर टाइम नहीं मिलता है, क्योंकि आपकी मेड जाती है, उसके बाद भी आपको बहुत काम होते हैं घर में, कि छोटे छोटे काम होते हैं कि आपको करने होते हैं, तो वो भी काम मैं सारा करती हूँ, क्योंकि आपको पता है यारों की सर्दी इतनी जोर की हो गई है, उसे भी देखना, उसका सारा जो खाने पीने में जो बहुत ज़्यादा देखना पड़ता है, वो सब खिलाना होता है। आज हस्बैंड की छुट्टी है, क्योंकि आज संडे है, तो आज संडे को छुट्टी रेस्ट मिलता है, तो आज इनको रेस्ट मिला है,
और ये जो हम घर में अभी अभी जस्ट ये नहाने गए हैं, इतना लेट से नहा रहे हैं, तो बैठे हुए थे वो और अपने गार्डनिंग का देख रहे थे यूट्यूब पे कैसे कैसे क्या बहुत सारे नए नए फ्लावर लाने वाले हैं। तो बहुत गर्मी लग रही है और गर्मी लग रही है तो मैं ज़्यादा अपने बाल को टाई करके रखती हूँ, बांध के रखती हूँ। तो यही सब है और क्या, मैं और क्या बताऊँ आपको। आप लोग भी अपने डे को कैसे बिताते हो यार, प्लीज़ हमें बताया करो कमेंट्स करके। और यही सब है बस, मैं अब जा रही हूँ अपने वीडियोस को एडिट करने, क्योंकि मतलब एडिट करना सबसे ज़्यादा टफ होता है वीडियो में। नए वीडियो को आप जब बना रहे हो तो उसको एडिट करने में मुझे घंटे लग जाते हैं, पहले बहुत टाइम लगता था, अब तो बहुत आदत हो गया है तो बहुत फास्ट कर लेती हूँ। तो वो सब करना है और अभी जा रही हूँ, खाना खिलाऊँगी आल को, आप उसके बाद खुद भी खाऊँगी, फिर पार्लर जाऊँगी, तो बहुत काम है। तो ठीक है, मैं इस वीडियो को यहीं एंड कर रही हूँ और एंड करने के बाद आपको नेक्स्ट में मैं आप दिखाऊंगी, आज मैं इवनिंग में गोलगप्पे बनाऊंगी। मैंने कल ही बोला था पर मैंने नहीं बनाया था, लेकिन आज शाम में मैं गोलगप्पे बनाऊंगी। बाहर का खाना मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, यहाँ के गोलगप्पे एकदम अच्छे नहीं होते। और मैं अपना स्किन केयर बहुत जल्दी आपसे शेयर करने वाली हूँ, मैं स्किन केयर कैसे करती हूँ और मेरी स्किन बहुत अच्छी लग रही है अभी फ़िलहाल, क्योंकि गर्मियों में भी आपको स्किन पर बहुत ज़्यादा ध्यान देना होता है, तो मैं वही कर रही हूँ। और मैं आपको दिखाती हूँ मैंने आरू के लिए कल मार्केट से क्या लाया। मैं पास के मार्केट में जाती हूँ कुछ कुछ घर जो मैं घर में घड़ा बड़ा रहता है, मैं वहीं से ले आती हूँ। तो मैं दिखाती हूँ मैंने आरू के लिए क्या लाया है। तो ये मैं हिमालय का नहीं, सॉरी जॉनसन बेबी का मैं स्किन केयर वाइप्स लाई हूँ, कल मार्केट गई थी, क्योंकि मुझे लगता है गर्मियों में मुझे इसका बहुत ज़्यादा यूज़ हो जाता है, बहुत मुझे ज़रूरत होती है, क्योंकि मैं स्किन आरू की जो फेस जैसे हम लोग क्लीनिंग करते हैं तो आरू को भी मेरा मूड हो जाता है कभी कभी स्किन को थोड़ा क्लीन कर दूँ। तो साबुन और सोप तो आप लोग लगाती हो, लेकिन मुझे ये बहुत अच्छा लगता है क्योंकि ये आपके बच्चे की स्किन पर बहुत ज़्यादा अच्छे से क्लीन कर देता है। और ये कितने का है, 25 रुपीज़ का है, और पता नहीं इसमें कितने वाइप्स हैं, उन्होंने ज़रूर लिखा होगा, ऐसा कहीं लिखा हुआ तो नहीं है, कितने रहते हैं इसके अंदर होगा, लेकिन मुझे रिसेट नहीं दिख नहीं रहा कहीं पे। तो ये जॉनसन बेबी का है, मुझे बहुत अच्छा लगता है, और इसमें एक लिक्विड होता है जो बहुत अंदर में पता चल रहा होता है कि लिक्विड है अंदर में। तो ये है, और इसको ओपन करने का यहाँ से आप इसे ओपन कीजिए, अपने वाइप्स को यहाँ से निकालिए और फिर से इसको चिपका दीजिए। तो ये मुझे, मैं जब कहीं ट्रैवलिंग में जाती हूँ तो मैं इसे ज़रूर लेके जाती हूँ, क्योंकि ये बहुत अच्छे होते हैं आपके ट्रैवलिंग में। बच्चे को यानी कुछ भी खिलाना पिलाना होता है, या फिर आपके बच्चे रास्ते में टॉयलेट पोटी कुछ भी कर सकते हैं, आप छोटे हैं तो करते हैं, तो ये बहुत यूज़फुल हो जाता है उस टाइम के लिए। और मैं ये हमेशा साथ में रखती हूँ, और इस बार मुझे जॉनसन का लेना पड़ा क्योंकि मैं हिमालय का पिछले बार यूज़ कर रही थी और मैं ज़्यादा हिमालय का प्रोडक्ट भी यूज़ कर रही हूँ, तो वहाँ उसके उनके पास था नहीं, तो मैं यही ले लूँ। अगली बार मैं जॉनसन का नहीं लूँगी, मैं हिमालय का ही लूँगी, और वो बड़ा पैकेट जो होता है ना वो मैं लूँगी, ताकि वो काफ़ी दिन तक चल सके। और लेकिन एक दो पाउच छोटा भी रखना चाहिए ताकि आप अपने बैग में कहीं कैरी करके आराम से ले जा सको, और बड़ा वाला आप सिर्फ घर पे ही रख सकते हो, उसका व्हाट्सअप निकल के कहीं ले नहीं जा सकते हो, तो आप इस तरह के छोटे पैकेट्स भी रख सकते हो। इसमें 20 पीस ज़रूर होंगे, तो ये सोप फ्री होता है, अल्कोहल फ्री होता है, डर्मोटोलॉजिकल टेस्टेड है ये, तो ये अच्छा होता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है, आरू के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। और मैंने आरू को हेयर कॉम भी नहीं किया अभी, क्योंकि वो जब मैंने इसे नहलाया था तो ये सोने के लिए रो रही थी, तो उसको सुलाने के बाद मैं जब 30 घंटे सोई है तो अब मैं उठी है, तो अब मैं इसका जा रही हूँ थोड़ा चोटी बना देती हूँ और थोड़ा तैयार कर देती हूँ, और उसके बाद मैं उन लोग खाना खाएंगे और फिर थोड़ा सा मैं मार्केट जाऊँगी। तो ठीक है, मैं अपने वीडियो को यही एंड कर रही हूँ, मेक श्योर आपको अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर जरूर कर दें और कमेंट्स करें, कमेंट में आपका कोई भी सजेशन हो तो वो आप दे सकते हैं, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल बटन आता है उसे प्रेस जरूर कर देना ताकि मेरी सारी वीडियो आपको फटाफट से मिलती रहे, और मैं बैठ कर बोलती हूँ मुझे रेस्ट थोड़ा मिल जाता है। तो ठीक है, मैं अपने वीडियो को ये एंड कर रही हूँ, बाय बाय, टेक केयर एंड हैप्पी संडे।